सतनाम जी ने सबको ही समझाया है, वो प्रभु भी एक ही है सबको जिसने बनाया है। नाम प्रेम में ही वो मालिक समाया है, मालिक समाया है, नाम जपे जो वो ही प्रभु को पाते। एक ही मूल से सृष्टि को बनाया है, सृष्टि को बनाया है, प्रभु की जात सब प्रभु की जात है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। मालिकी सजनवाजी प्यारी सत्संग जीओ, अभी आपने भजन में सुना, एक ही नूर से सृष्टि को बनाया है, प्रभु की जात सब प्रभु की जात है। सबको बनाने वाला ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड खुदा रब एक है, एक था एक रहेगा। जो कुछ भी सृष्टि में नजर आ रहा है सब उसी का बनाया है, जो आगे नजर आएगा सब उसका बनाया होगा, जो नजर आता था वो भी उसी का बनाया था। सो मालिक सारी सृष्टि को बनाने वाला है, सबको बनाने वाला है उस परमपिता परमात्मा, उस दाता रहवर को लोग अलग अलग मानते हैं। असल में वो यह भूल जाते हैं कि वो अलग अलग नहीं है, वो तो एक ही है पर भाषा अलग अलग है। हर वस्तु को हर चीज को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग नाम से बुलाया जाता है। उसी तरह परमपिता परमात्मा के नाम लाखों हैं पर वो एक है, सबको बनाने वाला वो मालिक, वो दाता, वो रहबर सबके अंदर समाया है, कण कण में, जर्रे जर्रे में। जो लोग रूहानियत में आगे आना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो अपना आड़ से त्यागें, मन माया से लड़ें, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार तजें, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं। नहीं तो मन माया काल के जाल में फंसा लेते हैं, जीव को उससे निकलने नहीं देते। तो यहां जितनी भी रौनक है सब मालिक के रहमो करम से है। उसने आत्मा को बनाया, आत्मा ने बुतों में प्रवेश किया और आज चलते फिरते बुत आत्मा ही है। भाषा अलग है और बुतों के नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन जैसे इंसान इंसान सब एक हैं, इंसानियत मानवता आदमियत हमारी जात है और सबको बनाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। जैसे कुम्हार माटी के बर्तन बनाता है, तरह तरह के बर्तन बनाता है, माटी एक ही होती है, बनाने वाले हाथ भी एक ही होते हैं, पर अलग अलग भाषा में उनका नाम अलग अलग लिया जाता है और अलग अलग चीजों की वजह से, अलग अलग आकार की वजह से बर्तनों का नाम अलग हो जाता है। वरना माटी तो एक ही है, वैसे आत्मा तो सब में एक ही है। इंसान नाम अलग बढ़ गया, पशु पक्षी जानवर और वनस्पति, लेकिन सबके अंदर माटी एक, बनाने वाला एक। तो वो परमपिता परमात्मा सबके दिल में रहता है, हर जगह पे रहता है, इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी बुरा ना कहो, वचनों पे पूरा अमल करो। जो वचनों पे अमल नहीं करते वो दुखी रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, वो गमगीन रहते हैं, क्योंकि किसी का दिल दुखाना महापाप है। माना कि आजकल लोग निर्दयी हैं, परवाह नहीं करते किसी का दिल दुखे, कोई तड़फे, कोई मरे, कुछ भी हो, लेकिन आखिर उसका फल तो भोगना पड़ता है। कोई बेवजह मन के हाथों मजबूर होकर तड़फता रहे तो तड़फता रहे, वो उसकी खुद की गलती है, खुद के बुरे कर्म है, लेकिन सही तरीके जाए तरीके से कभी किसी का दिल ना दुखाओ। कोई आपसे गलती करने को कहता है, वचन न मानने को कहता है, सेवा ना करो, सेवा करोगे तो मेरा दिल दुखेगा, सिमरन करोगे तो मेरा दिल दुखेगा, सत्संग पे जाओगे तो मेरा दिल दुखेगा, मेरे साथ बुरा कर्म नहीं करोगे तो मेरा दिल दुखेगा, तो लाखों बार दुखे, क्योंकि ये दिल दुखना नहीं है, ये आपको गुमराह करने का एक ढंग है, काल का बनाया हुआ एक ढोंग है। तो ऐसे चीजों को छोड़ के
और किसी भी चीज से आप किसी का दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि मालिक का नाम जपना, सुमरण करना, भक्ति इबादत करना, मालिक के नाम में चलना, ये तो महान कार्य है। कोई भाग्यशाली जीव के हत्थे ये चीज आती है और जो अमल करता है वही मालिक की खुशियों को हासिल कर पाता है। तो वो मालिक एक है और प्यार मोहब्बत के रूप में कण कण में जर्रे जर्रे में समाया है। आपस में प्यार करो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जो आपस में प्यार करते हैं निस्वार्थ बेगर्ज, वो ही मालिक को हासिल करते हैं, दूसरा मालिक को नहीं पा सकता। तो फेरर पार्क सिंगापुर से बात करना चाहते हैं। बात करो बेटा, प्रदीप इंसा बोलो, बात करो बेटा। धन धन सतगुरु पिताजी जी, पिताजी धन धन सतगुरु तेरे यात्रा जी, बोलिए पिताजी। कैसे पिताजी? ठीक है बेटा, आप सुनाइए। मैं मालिक आपके पिताजी, आपकी भी रहमत है जी। जी पिताजी, आपके दया में से मैं सिंगापुर आ गया पिताजी। जी जी जी, उससे पहले मेरा आपके बिना कुछ भी नहीं, मेरा जीव आपके बिना कुछ भी नहीं है जी मेरे पास जी। पिताजी हमने पिताजी यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था पिताजी, तो उसमें 4 यूनिट ब्लड दान दिया था जी आपके रहमत से जी, संगत ने मिलके। चलो बहुत अच्छा बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी भाई, पिताजी थोड़ा प्रसाद सा रखा जिनको, ताकि संगत को दे दें जी भाई जी। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक से दुआ करेंगे, प्रसाद बन गया सबको दीजिए। हाँ जी भाई, धन्यवाद सुतरा सा। पिताजी मैं यहाँ पर ना एक जगह पे काम करता था पिताजी, रेस्टोरेंट में जी। पिताजी वहाँ पर ना उसमें एक नान बनाते हैं, रोटी जो हम खाते हैं पिताजी। पिताजी उसमें ना क्या नाम, उन्होंने अंडा मिलाया हुआ था, वो पता नहीं था मुझे। अच्छा, तो पिताजी वो मैंने खा लिया जी। नारा लगा दीजिए बेटा, आगे से ख्याल रखिए, पिताजी जी। पिताजी जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई मुझे माफ कर देना पिताजी, बस वचनों में गलती ना करना, बाकी माफ बेटा। ठीक है पिताजी। पिताजी जी, पिताजी आप इधर आ जाओ ना। पिताजी बिल्कुल बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा आपके बिना पिताजी जी। बेटा सुमन कीजिए, मालिक ने जब चाह जरूर देखेंगे बेटा। पिताजी एक बात हो रहा है जी जी, जो छोटा भाई है जी उसके ना पेपर एग्जाम चल रहे हैं, उसके बीटेक इंजीनियरिंग के। आशीर्वाद बेटा। हाँ जी भाई, हाँ जी, और घर वालों की तरफ से नारा लगाना था जी, जान दस को तेरे यात्रा जी। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी एक अरदास और करनी है पिताजी आपसे। हैं जी? आपसे एक अरदास करनी है पिताजी जी। बोलिए। जो मेरे फादर साहब हैं पिताजी, पहले बहुत सेवा करते थे जी। अच्छा। आपकी रहमत से आते थे जी, डेरे में आते थे, लेकिन अभी उनकी ड्यूटी की वजह से वो बिल्कुल कम आना हो गया पिताजी उनका। बेटा उन्हें कहें आया करें, सुमन करें, मालिक से दुआ करेंगे। ठीक है पिताजी। और पिताजी हम चाहते हैं पिताजी थोड़ा अच्छा सा काम मिल जाए और खाना पीना अच्छा मिल जाए ऐसी जगह भी थोड़ा, ताकि पैसा भी सेव कर सके और माँ बाप के सपने भी साकार कर सके पिताजी। पूरी मेहनत करो बेटा, पैरवाई करो पिताजी। अब अच्छा हमारा यहाँ पर काम करना अलाउड नहीं पिताजी, क्योंकि हम स्टूडेंट बेस पर हैं पिताजी जी। जी हाँ जी, तो आपसे रहमत भी चाहते हैं कि पिताजी ताकि हम पैसा सेव करें और आप सेवा में अपने लिए सात संगत की सेवा के लिए हम अपने पैसा बचा के उनकी दीन दुखियों की मदद में लगाएं पिताजी। जी बेटा। और पिताजी जितने हमने पहली तनख्वाह मैंने अपनी सेवा उसमें से मेहनत की कमाई में से निकाल के दी थी जी, जी लेकिन जी। उसमें से पिताजी सिर्फ 2-2.5 हजार रूपये मैंने घर पे भेजे, 23 हजार रूपये भेजे थे घर पे, उसमें से 2.5 हजार लगे पिताजी। अच्छा अच्छा, तो मेरी इच्छा थी कि वो पूरे लगे पिताजी। जी बेटा आप बात कर लीजिए, बाकी आशीर्वाद बेटा। हाँ जी पिताजी, धंधा सतगुरु तेरे यात्रा पिताजी जी आशीर्वाद। देश विदेश में सार संगत अपना काम धंधा करती हुई टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लाइव वीडियो के द्वारा हजारों की तादाद में सत्संग देख रही, सुन रही और हमें नजर आ रही, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्री गिरीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेना, एक बहन खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद बेटा प्रसाद ले लेना। मानसा से श्रीधर भाई एक जोड़ी आंखें लेके आए, नेत्रदानी हंसराज
नेत्रदान महादान घर के लिए प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना और जिन्होंने नेत्रदान किया उनको भी प्रसाद देना। मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद। गुड़गावा से एक सेवा दरवाई, किसी का गुम हुआ बैग वापिस किया जिसमें 1.5 लाख रुपए थे जी। गुड़गावा से दो भाइयों ने एक एक्सीडेंट में घायल हुए, 3 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। शाबाश बेटा, आशीर्वाद। मालिक खुशियां बख्शे, घर में रहमो करम बरसाए। 50 नंबर में मिल लीजिए आशीर्वाद, प्रसाद ले लीजिए। घर जाने की आज्ञा लेनी है, 2-15 मेंबर बहने शिफ्ट पूरी होगी, खड़े हो जाओ। 1-25 मेंबर शिफ्ट पूरी होगी, पैरामेडिकल स्टाफ के 18 भाई बहनों ने, 17 सेवादार भाई बहनों ने, 3 सेवादारों ने गाड़ियों के साथ कैंप में सेवा की। 4 से 30 दिन सेवा करने वाले भाई बहन श्री गुरु सरमोड़ी में लगातार 80 घंटे सेवा की। बहन संतोष इन सब 96 घंटे सेवा की। सुमन इन सब तो जितनी सेवा की है उससे बढ़ के सेवा सिमरन सत्संग का फल मालिक आपको बख्शे। प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। शाबाश, बैठ जाइए। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, खड़े हो जाओ। 3 परहेजों में जिनसे पहली बार गलती, जल्दी करो, इधर उधर मत देखो, मालिक से दुआ करते खड़े रहो। आशीर्वाद 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 और नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाया करो जल्दी से, तो माफ है, मालिक से दुआ करते हैं वो माफ करेंगे। बाकी बीमार या बीमारों का प्रसाद लेके जाना है तो मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। प्रसाद ले लीजिए, सुमन करके दवाई लीजिए। जितनी बार दवाई लेने, पहले आधा घंटा नाम जपो। कैंसर या लाइलाज बीमारी तो दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक का मानना आपने है जी। और अनजाने में किसी से खाने पीने की गलती हुई है तो वो बैठे बैठे नारा लगाते हैं, उनको माफ है जी। और गलतियां हैं, नारा लगाया था पूरा नहीं किया, छोटी छोटी बात पर नारा लगाया, कम आज में खूनदान किया, दर्शन होते बता दिए, भ्रूण हत्या करवाने के साथ साथ दिया, निंदा की, नाम शब्द सुना, द्वारा नाम में बैठ गए, सेवा पर नहीं आए, बिना सेवा किए प्रसाद लिया, खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, खर्च हुआ, प्रसाद खराब हुआ, दर बदर हुए, खुशी आती थी बता दी, आश्रम की टॉफी उठाकर खाई, ग्रीननेस की वर्दी चोरी हुई, अपना प्रसाद किसी को और कर दिया, बुजुर्ग वाले कैबिन में बैठने से बाल सफेद हो गए, दूसरे की खराब आंख को देखकर घृणा करने से खुद की आंख में दर्द हो गया। भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है, आप सबका भला मांगा करो, मजाक ना उड़ाया करो किसी चीज का। 3 अक्षरों वाले नाम शब्द ने शंका की, दूसरी बार माफी लेनी, 6 महीने सुमरण किया केवल, तो 6 महीने जिन्होंने सुमरण किया खड़े होकर नारा लगाए, लगातार सुमरण करें, मालिक माफ करने वाले हैं जी, बाकी माफ है सबको, आशीर्वाद। भूत प्रेत वाले हैं जी, जो कहते मेरे अंदर ऊपरी पराई जिन चुड़ैल भूत प्रेत है जी, कसर हुंदी है वो, खड़े हो जाओ जल्दी करो। हाँ, अपनी जगह पे चुपचाप खड़े रहना है, खड़े रहो। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, आशीर्वाद आशीर्वाद, और नारा लगा के जल्दी से बैठ जाओ, खड़े रह गए तो भूत रह सकता है। बीमारी का प्रसाद लेना, भरम भूत आपके भगा दिए, कोई भूत बात नहीं आपके अंदर, सुमन करके दवाई लेना, मालिक रहमत करने वाले हैं, आशीर्वाद। सुबह 6 से रात के 8 बजे और सर से रात जो सेवा करते, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। 6 भाई बहनों ने जनरल स्टोर के भाइयों में कैंप में सेवा करे, टुहाना के बहन भाइयों ने दीन दुखी के मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया जी, वो खड़े हो जाए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके घरों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक रहमत करे, मालिक से दुआ करते हैं और सबको आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद, बैठ जाइए। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सरसा, 11 एथलीट्स ने सीबीएसई नेशनल खेलने केरला जाना, खड़े हो जाएं। बास्केटबॉल टीम ने सीबीएसई क्लस्टर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वॉलीबॉल टीम ने सीबीएसई नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वॉलीबॉल अंडर 17 के 2 बच्चों ने स्कूल नेशनल में सिल्वर मेडल जीता है, पूरी टीम ने इस खुशी में भलाई फंड में दिंदु के मध्य बैंक में 8,000 रुपए जमा करवाए। तो घरों में मालिक प्यार बढ़ाए, खुशियां आए, गेम्स गेम में पढ़ाई में तरक्की करो बेटा, आशीर्वाद, खड़े रहो। शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज सरसा, योगा नेशनल में 1 सिल्वर मेडल जीता है, आशीर्वाद, खड़े रहो। शास्त्राम जी बॉयज स्कूल और कॉलेज के कैंप में सेवा कर रहे, 150 बच्चे सेवा की खुशी में, बॉयज स्कूल के सभी टीचर वेतन बढ़ने की खुशी में दिंदु के मध्य बैंक में 2,07,777 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। 40 बच्चों ने खूनदान भी किया जी, सभी टीचर और बच्चे आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं जी। शाबाश बेटा, सेवा सिमरन सत्संग में मालिक आपको खुशी दे, और पढ़ाई गेमों में आगे बढ़ो, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं, और बचनों पे रहो, प्रसाद ले लेना, और आगे बढ़ो नए कामों में, मालिक से दुआ करते हैं, सबको आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, बैठ जाइए, आशीर्वाद आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। अब वो परिवार हैं जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा छोड़ा, रिवर जींद से आए हैं, इनकी बहन ने छोड़ा छोड़ा, खड़े हो जाए जी। नाम लिया था, उम्र 16 साल, फजूल खर्ची की बजाय दिंदु के मध्य में उनकी याद में बैंक में 1100 रुपए जमा करवाए, आशीर्वाद। जाखल मंडी फतेहाबाद से इनकी माता ने छोड़ा छोड़ा, नाम लिया था, उम्र 70 साल, और दिंदु के मध्य बैंक में 1200 रुपए जमा करवाए, आशीर्वाद।
मेहता बठिंडा से आए, इनके लड़के ने छोड़ा छोड़ा नाम लिया था, उम्र 17 साल, परिवार खड़ा हो जाए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। तो बेटा जिसने नाम लिया था, सातवां को मालिक अपने गोद में बैठा के निजाम सचखंड सतलों का नाम ही जरूर लेके जाता है। सारा परिवार श्रवण करो, अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के बांध दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, क्योंकि ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक ज्योति निज धाम लेके जाते हैं, प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, सो आशीर्वाद, जख्म जो देता मर्रम भी उसी के पास है, प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है बेटा। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबके यहाँ पर धारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयानुक शामदीद कहते हैं जी, तो कुछ कह रहे थे, कुछ बोल के पढ़ के सुनाना है जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, 19वें यादे मुर्शिद परमपिता शास्त्राम जी महाराज फरी आई कैंप में, काला मोतिया, काला मोतिया जो कि अंधेपन का परमानेंट ब्लाइंडनेस का एक मुख्य कारण है, और अंधेपन की रोकथाम के लिए अति आधुनिक लेजर मशीन द्वारा इस कैंप में पहली बार इलाज किया गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस प्रकार का जो खास इलाज एडवांस ट्रीटमेंट फ्री कैंपों में बिल्कुल नहीं होता, बल्कि बड़े बड़े महानगरों के कुछ बड़े अस्पतालों में ही यह इलाज संभव है। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी की रहमत से काला मोतिया के मरीजों का यह इलाज इस कैंप में हुआ है जी, और शास्त्राम जी स्पेशलिटी अस्पताल में डेरा सच्चा सौदा में यह इलाज नियमित रूप से होता है जी। दूसरा, जरूरतमंद मरीजों का पुतली बदलने का ऑपरेशन भी किए गए हैं, नजदीक की नजर के चश्मे भी इस कैंप में मुफ्त दिए गए हैं, और जिनके ऑपरेशन नहीं होने थे ओपीडी के मरीजों को खाने एवं आंख में डालने की दवाइयां भी मुफ्त दी गई हैं जी। इस कैंप में खाने पीने रहने के साथ साथ मरीजों को काले चश्मे भी मुफ्त दिए गए हैं, यह सब पूजनीय हजूर पिताजी की रहमत का ही कमाल है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय जी। बहुत आशीर्वाद बेटा सारे सेवादारों को, जिन्होंने डॉक्टर और दूसरे जितने भी सेवादार जिन्होंने सेवा की कर रहे हैं, मालिक खुशियां बख्शे। बाकी सात संगत में अगर कोई प्रसाद पहने, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, घर की चाबी, मकान की चाबी लेके आए कि आशीर्वाद लेना है, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लीजिए। सारी सात संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं जी, आशीर्वाद। बाकी अब थोड़ा सा समय सज रहिएगा, फिर जाने का ख्याल है, समय साधन के अनुसार जा सकते हैं। रहने का तो जिससे उधर भाई बीते रहना, सेवा करना, आराम करना है, बस थोड़ा समय बैठे, आपका बहुत बहुत स्वागत जी आया नो, बस थोड़ा समय सज रहिएगा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहन भाई लंबे समय से बीमार हैं और पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं।